नमस्कार, आप सबको मेरे चैनल में स्वागत है। तो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा है उस बटन को टच कर दीजिए और साथ में बेल के आइकन को भी ऑन कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आज जो है 27 मार्च है और प्रसार भारती की तरफ से एक अपडेट्स आया है और उसमें बताया गया है कि आज जो है 39 ईऑक्शन होने वाले हैं और 39 ईऑक्शन में MPEG-4 स्लॉट में आप लोगों को कुछ जो नया चैनल्स है वो नया चैनल्स आपको मिलने वाले हैं। दो चैनल्स पहले से ही ऐड हो चुका है और बाकी जितने भी चैनल्स है 39 ईऑक्शन होने के बाद ही आपको मिलेगा। 39 ईऑक्शन होने के बाद 7 से 8 दिन बाद आपको जो नए चैनल्स है वो नए चैनल्स आपको देखने को मिलेगा। जितने भी नए चैनल्स ऐड होगा उसकी जो रिज़ल्ट है वो 1 हफ्ता या फिर 10 दिन बाद आपको मिलेगा। और जितने भी पुराने चैनल्स थे जो चैनल्स डीडी फ्री डिश से हट गया, जैसे स्टार उत्सव, जी अनमोल सिनेमा, इस तरह की जो भी चैनल्स थे, जो चैनल्स हट गया है और पेड डीटीएस सर्विस में चल गया, उन चैनल्स को पेड डीटीएस सर्विस में कोई नहीं देख रहा है, इसलिए उसकी जो टीआरपी है वो बहुत कम हो गया। 95-93% टीआरपी था डीडी फ्री डिश में इन सब चैनल्स का, लेकिन वो अभी जो है घट के 2-5% में आ गया, इसीलिए उन सब चैनल्स को जो है टीआरपी नहीं मिल रहा है। इसीलिए जितने भी चैनल्स है डीडी फ्री डिश से हट गया वो सभी चैनल्स 40 ईऑक्शन में दोबारा ऐड होने वाले हैं डीडी फ्री डिश में। इसी तरह की जो न्यूज़ है वो आ रहा है तो आप लोगों के लिए एक बहुत ही खुशखबरी है कि आप लोगों को जो पुराना चैनल्स है वो 40 ईऑक्शन में आप लोगों को मिलेगा, लेकिन 39 ईऑक्शन में वो चैनल्स जो है नहीं मिलेगा। आप लोग जो है किसी भी तरह की फेक वीडियो देख के परेशान मत होइए। आप लोगों को जो है कह रहा है कि सॉफ्टवेयर अपडेट कीजिए या फिर कुछ और कर लीजिए तो ये चैनल्स नहीं आएगा। हम आपको कहते हैं उस तरह से आपको चैनल्स नहीं मिलेगा। डीडी फ्री डिश की एक एक न्यूज़ और सही न्यूज़ पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।